जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सभी पापों का नाश करने वाली ऋषि पंचमी व्रत कथा। राजा सुतास्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती हैं। इसके बारे में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उतंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रह करके जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बना। ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा देख के नाना तरह से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि रजस्वला रोज धर्म वाली नारी प्रथम दिन चंडाली के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि दूषित से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप के
उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करना चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्ट कमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर के महत्व पुण्य को प्राप्त होती है, आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रजस्वला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के माफिक दोषी होती हैं। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मोक्ष होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजीत नाम का राजा था और उसी राज में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन ऋषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृ पक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी।
इधर ब्राह्मण बहू ने विविध पकवान खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानकर झूठी कर दी। इस पर बहू ने कुतिया को इतना मार मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय तुम्हारे ही पाप के ससर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रंज में बन चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज मेरे माता पिता कुतिया व बैल योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? इस पर ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है, इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ सर्वान सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छुटकर शीघ्र ही धन पुत्र पौत्र आदि के सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन मन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे फल इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है।